नेक्स्ट, यूज द नंबर लाइन टू एड द फॉलोइंग। संख्या रेखा का प्रयोग करके निम्न को जोड़िए। ये कुछ क्वेश्चन है, नंबर लाइन के हेल्प से हम लोगों को इसको ऐड करना है। इसके पहले भी एग्जांपल्स में हमने इस तरह का सम किया था, अब फिर से करते हैं। नंबर वन हमारा है 9 + -7, क्योंकि इसको नंबर लाइन के हेल्प से ऐड करना है तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनाना होगा इसके लिए। अब सबसे पहला है 9, तो फर्स्ट नंबर जो भी होगा उसको हम लोग हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 9 है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो हम लोग राइट की तरफ जाएंगे। राइट की तरफ कितना जाना है, 9, 0 से राइट की तरफ 9 जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे हम लोग, इसको हम लोग ए बोल लेते हैं। उसके बाद है -7, नेगेटिव है तो अब हम लोग को लेफ्ट की तरफ जाना है। जहाँ पर लास्ट पॉइंट था हमारा ए, यहाँ से अब हम लोग को 7 पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाना है क्योंकि ये अब नेगेटिव है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये यहाँ आएगा। ये हम लोग कर लेते हैं, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आया, 2, लास्ट बी पॉइंट हमारा 2 आया। तो 9 + -7 इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब पॉजिटिव होगा फर्स्ट जो भी नंबर होगा उसको हम लोगों को 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम लोग को राइट की तरफ जाना है। जितना भी नंबर है उतना राइट की तरफ जाएंगे। यहाँ 9 था तो 0 से हम 9 की तरफ गए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नेगेटिव है तो हम लोगों को लेफ्ट की तरफ जाना है। लास्ट पॉइंट जहाँ था वहां से जितना नंबर है 7 नंबर है तो 7 पॉइंट हम लोग लेफ्ट की तरफ चले गए। नेक्स्ट करते हैं -5 + -3। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी नंबर लाइन से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन ही बनाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, -5, 0 से स्टार्ट करना है। -5 मतलब कि नेगेटिव है तो हम लोगों को लेफ्ट की तरफ जाना होगा 0 से 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ आ गया हमारा पॉइंट ए। अब यहाँ से देख रहे हैं फिर से -3 है, तो यहाँ से फिर से 3 पॉइंट हम लोगों को आगे जाना होगा क्योंकि नेगेटिव है तो लेफ्ट ही जाना होगा। यहाँ से जब हम लोग 3 पॉइंट लेफ्ट जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 1, 2, 3, ये आ जाएगा हमारा -8 में। ये हमारा बी पॉइंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, -5 + -3 इज इक्वल टू -8, क्योंकि लास्ट हम लोग यहीं पर पहुंचे, दोनों नेगेटिव था इसीलिए हम लोग लेफ्ट की तरफ गए हैं। नेक्स्ट करते हैं नंबर 3। ये हमारा -3 + 4। फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं। सबसे पहला -3 नेगेटिव है तो 0 से हम लोग को लेफ्ट की तरफ 3 पॉइंट जाना होगा, यहाँ पहुंचेंगे, ये हमारा ए आया। अब है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो अब जो भी पॉइंट लास्ट था वहां से राइट की तरफ 4 जाना होगा। यहाँ से जब 4 जाएंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, तो आ गए हम लोग 1 पॉइंट पे। तो आंसर क्या होगा हमारा, -3 + 4 इज इक्वल टू 1। इस तरह से नंबर लाइन के हेल्प से हम लोग इस तरह के नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं।